हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा चेहरे पे मत जाइएगा। शाम के बज रहे हैं 5 और मेरा आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। तो मेरे घर क्या बन रहा है, चलिए आप लोग को दिखलाते हैं। और जाहिर सी बात है, शाम को किचन का ही काम होता है, और कोई काम तो होता नहीं है। और कुछ मैं दिखला भी नहीं सकती क्योंकि शाम हो चुकी है। बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, धूप महाराज एकदम से गायब हो गए हैं। और यहाँ पे आस्था बना रही हैं बैक कैमरा से। तेल में डाल दिया गया है मिर्चा, तेल में गया है मिर्चा, लहसुन और अदरक काटा जा रहा है, टमाटर कटिए, प्याज कटिए। और यहाँ पे कुकर में आलू और गोभी को उबाला गया है। तो मुझे लगता है आप लोग को तो पता चल गया होगा क्या बनने वाला है। अब इसमें जाएगी प्याज, अदरक सब डाल दिया जाएगा। अब इसको किया जाएगा फ्राई, ज़्यादा नहीं, हल्का फ्राई करेंगे। और अभी अभी जस्ट मैं रोटी बनाकर उठी हूँ और मेरा किचन देख सकते हैं फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने पानी डाल के चौका बेलना रखा है, इसको धोना है। रोटी मेरी बन चुकी है और आज सब्जी नहीं बन रही है, बनेगी भाजी। नहीं, क्या कहते हैं, पाव भाजी। नहीं यार, पाव तो अलग है, भाजी अलग है ना। तो भाजी, पाव भाजी की भाजी बनेगी, वही हम लोग रोटी से खाएंगे और पाव से भी खाएंगे। तो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा पाव भाजी। और इसमें तो पड़ता है इसका स्पेशल मसाला। कहाँ है मसाला, दिखाओ। ये आया है पाव भाजी मसाला एवरेस्ट का, ये डालेंगे हम लोग। और ये भी बनेगा, फिर उसके बाद में अपना किचन समेटूंगी, तब जाके समझिए मैं खाली होऊंगी। बड़ा काम हो जाता है शाम के टाइम। एक तो मेरे किचन में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट की बहुत कम रोशनी है। बल्ब तो मेरा आप लोग देखेंगे कितना दूर है, वहाँ पर है। तो मेरे घर का तो है भाई, मुझे तो काफ़ी रोशनी लगता है। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए उतनी रोशनी नहीं, रिकॉर्डिंग में बहुत अंधेरा लगता है। अगर मोबाइल का मैं टार्च ना जलाऊँ, रिकॉर्डर का मैं टार्च ना जलाऊँ तो दिखे भी ना, इतना अंधेरा मोबाइल में लगता है। वैसे तो काफ़ी रोशनी है हम लोग के लिए। तो यही सब है फ्रेंड्स, तब से आस्था इसको भूजती है। तो मैं आप लोग को दिखलाती हूँ, मेरे यहाँ से प्लांट्स थोड़े से गायब कर दिए हैं। मैंने स्नैक प्लांट निकाल दिया है बाहर, क्योंकि अब यहाँ धूप एकदम नहीं आती, तो मैंने सोचा स्नैक को रख देती हूँ बाहर। ओ तेरी, लाइट भी चली गई, अब तो एकदम अंधेरा हो गया है। तो देखिए स्नैक्स मेरे यहाँ बाहर आ गए हैं। और ये सब मेरे प्लांट्स वगैरह, ये मैंने परवल पे बांध दी है, धागा बांध दिया है, अब ये इसके सहारे ऊपर चढ़ेगा। चलिए अंधेरे में देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग को दिखाने की। अगर दिख गया कुछ तो ठीक, नहीं दिखेगा तो उसके लिए सॉरी। दिख रहा है, दिखता है। अब इसमें जाएगा टमाटर, टमाटर डाल दो। अब इसमें लाल लाल टमाटर, आह टमाटर बड़े मज़ेदार, आह टमाटर बड़े मज़ेदार। ये जाएगा, और डाल दे क्या टमाटर, एक और डाल दें, एक और टमाटर काट लेते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप लोग वेट करिए। इसमें गए नमक स्वाद अनुसार, नंदू का स्वाद बहुत कम है, थोड़ा सा और डालेगा बस। और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, थोड़ा सा मैं भी हाथ लगा देती हूँ। मेरे हाथ में देखिए भी आटा लगा हुआ है, जस्ट मैं रोटी बना के उठी हूँ इस वजह से। इसमें गई हल्दी, गई थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत थोड़ा सा जाएगा। और इसमें जाएगा थोड़ा सा आस्था डालेंगे इसमें, गर्म मसाला बहुत थोड़ा सा। और इसमें जाएगा कश्मीरी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। और फ्रेंड्स मैंने तो सिर्फ यहाँ पे देखिए आलू और गोभी उबाला है, आपके पास और वेजिटेबल्स हो तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे मटर हुआ, गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब भी आप डाल सकते हैं। और मेरे पास तो फिलहाल उतना ही था, इसमें गया है कश्मीरी मिर्च बस, ज़्यादा नहीं।
हम लोग तो फिर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि हमारा टमाटर गल ना जाए तब हमें इसको पकाना है। और इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाला जाएगा, क्योंकि पाव भाजी का जो भाजी होता है थोड़ा सा पाव से मीठा लगता है। पाव से मीठा लगता है तब हम लोग चीनी क्यों डाल रहे हैं? आस्था मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि पाव से खाते तो मीठा लगता है, तो मैंने कहा हो सकता है इसमें चीनी पड़ती है, तो कह रही हूँ पाव से मीठा लगता है, तो पाव से मीठा लगता है। इसको पका लेंगे। ओहो, ये तो बंद था इतना देर तक, मैं इतना अच्छा अच्छा डायलॉग बोल रही हूँ, एक बंद था। ओ तेरी, अब क्या होगा? यहाँ पे देखिए आस्था क्या कर रही है, टमाटरों को बेरहमों की तरह कुचल रही है। बताइए आस्था को तरस नहीं आ रहा टमाटर के ऊपर? अब बेचारे टमाटर चू 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 करके रो रहे हैं और ये कुछ ली जा रही है। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ टमाटरों की, देख लीजिए आइए आवाज़ ना कैसे रो रहे हैं बेचारे। टमाटर भरे हो चुके हैं, अब इसमें जाएंगे ये महाराज, एक सेकंड एक सेकंड धीरे धीरे। हाँ ओके ओके ओके, बस बस मेरा हाथ दर्द कर, अब इनको भी कुचला जाएगा। पटेटो में सर ना है, इसी से हो जाएगा इसी से। चलो भैया इनको भी अच्छे से मिक्स किया जाएगा, कलर अच्छा लग रहा है यार गाइस, कलर अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए अब फटाफट आप लोग आ जाइए, जहाँ बेबी हैं दौड़ के आ जाइए इसके रेडी होते होते, और फिर बैठ के खाया जाएगा ना। हाँ, लोग खड़े होके भी आस्था के लिए क्या खड़े होके खाते हैं, खड़े के भी तो लोग खाते हैं। एक आध सीटी और लगा देते तो इतना कुछ चुलना भी नहीं पड़ता, गल जाता। धुनो रानी नहीं है, पाउडर मसाला हाँ। अब इसमें जाएगा थोड़ा पानी, क्योंकि पकना है मसालों को भी और सब्जी को भी, थोड़ा ग्रेवी वाली सब्जी रहती है एकदम ड्राई रहती नहीं है ये। अब इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, पाव भाजी की जान पाव भाजी मसाला। तो भाई वाह क्या बात है भाई, ये लीजिए देखिए, और भी कलर चेंज हो गया इसका, इसमें थोड़ा पानी और जाएगा, जितना है उतना रहना चाहिए, थोड़ा सा डालो पके, बस 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 बस। अब इसको हम 5 मिनट पका लेते हैं अच्छे से, ये पक जाएगी हमारी रेडी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, जो हो जाता है तब आप लोगों को दिखाते हैं, तब से मैं अपना किचन फिनिश कर लेती हूँ, क्लीन अप कर लेती हूँ। यहाँ पे धो लेते हैं चौका बेलना मेरा, धुल जाएगा, देखिए कहाँ पे पानी पड़ा है, ये गया हमारा यहाँ, और ये हमारी चक्कू। इसमें लाल मिर्च और डाल दे क्या? डाल दो, और इसको कर लेते हैं किचन को साफ। इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, उतना ही घटिया लग रहा है कैमरे में। क्या जमीन? हाँ देखिए भाई, हमारा तो हो गया है किचन, यहाँ का साफ हो गया है, अब गैस करना है, अब ये बन जाएगा तब गैस की होगी सफाई। चलो दिखाओ मेरे को। तो फ्रेंड्स किचन भी साफ हो गया है, बस गैस साफ करना है, बनते ही गैस साफ करेंगे, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों को रेसिपी के साथ, बने रहिए कंटिन्यू। घी बटर मेरा जम गया और क्या।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी रेडी हो गई है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और इसके साथ आस्था कुछ नहीं देगी, बस ये खाएगी। इसको खाने का लेट हो रहा है, मैं सोच रही हूँ पिक ले लूँ, इसको लेट हो रहा है खाने के लिए। ये लीजिए और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ओ, मेरे हाथ में आटा लगा, तुम तोड़ो, मेरा हाथ अच्छा नहीं लग रहा है। That's good. लीजिए फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पाव भाजी। बस करो, बंद करो।